दिवाली और बढ़े हुए वजन का चोली दामन का साथ होता है। ऐसा हो भी क्यों ना, दिवाली में कोई भी तेल मसाले के खाने को ना नहीं कर सकते, वरना लोग बुरा मान जाएंगे। हर तरह का नाश्ता तला हुआ होता है और उसे भी आपको खाना ही है। मिठाइयों की तो बात ही अलग होती है और वो वजन भी बढ़ाती हैं। इस वजह से दिवाली के सीजन में लोगों का वजन भी बढ़ जाता है और वो समझ नहीं पाते कि अपने वजन का करें क्या। आज हम आपको कुछ सिंपल सी टिप्स दे रहे हैं जो दिवाली के बाद बढ़े हुए आपके वजन को कम कर देंगी और आप आसानी से खुद को फिट और हेल्दी बनाए रखने में कामयाब हो जाएंगे। और इस बारे में बात करें उससे पहले हम यही कहेंगे कि प्लीज आप हमारे चैनल हेल्थ एंजॉय को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। देखिए, दिवाली में बढ़ा हुआ वजन कम करने के लिए आपको तीन बेसिक कम करना होंगे, जिसमें पहला है डिटॉक्सिंग, दूसरा है फास्टिंग और तीसरा है कैलोरी बर्निंग। अगर आप सिर्फ ये तीन काम कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही जल्द अपने बढ़े हुए वजन को कम करना मुमकिन हो जाएगा और आप खुद को फिट और आकर्षक लुक दे सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिटॉक्स की। देखिए, होता यह है कि दिवाली के मौके पर आप बहुत कुछ खाते हैं जो कि आपके सिस्टम को एक तरह से प्रदूषित कर देता है। आप अपने सिस्टम में बहुत कुछ ऐसा डालते हैं जो कि आपके बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कम कर देते हैं और जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम होता है तो आपकी कैलोरी बर्निंग स्पीड कम हो जाती है। लेकिन बॉडी को डिटॉक्स करके आप अपने मेटाबॉलिक रेट को तेज कर सकते हैं। आपके शरीर में जो भी तेल मसाले, मैदा या जंक फूड खाने की वजह से एक्स्ट्रा जंक जमा होगा वो शरीर के बाहर निकल जाएगा और इससे आपकी सेहत अपने ही आप ठीक होने लगेगी। अब सवाल आता है कि डिटॉक्स करने के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो अच्छी तरह से पानी पीजिए। पानी से अच्छी सफाई तो किसी भी चीज से नहीं होती। उसके साथ ही आप सुबह शाम नींबू पानी पी सकते हैं जो कि आपके शरीर को बहुत ही अच्छी तरह से डिटॉक्स कर सकता है। डिटॉक्सिंग के बाद आपको फास्टिंग करना होगी। ये भी दिवाली के कारण बढ़े हुए वजन को बहुत ही आसानी से कम कर सकती है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आपको नॉनस्टॉप फास्ट करना है, लेकिन इंटरमीडिएट फास्ट करने से आप आसानी से अपने वजन को कम कर लेंगे। आपको करना यह है कि आपको दो दिन के अंतर से एक वक्त का खाना स्किप कर देना है और अगर आपके लिए मुमकिन है तो आप आज लंच करिए और कल सुबह ब्रेकफास्ट करिए और हर दो दिन में ऐसा करते रहिए। इससे आपको दो फायदे मिलेंगे, एक तो ये कि आपको कैलोरीज कम मिलेंगी और दूसरा फायदा ये होगा कि आपका जमा फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा और आपका वजन भी कम होने लगेगा। तीसरी बात जो आपको करना है वो है कैलोरीज बर्निंग, जिसके लिए आपको कोई ना कोई कसरत करनी ही होगी। आप चाहें तो हर दिन 40 सेकंड तक तेजी से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं या फिर कुछ मिनट की रनिंग कर सकते हैं या फिर जिम जा सकते हैं। चॉइस आपके हाथों में है। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि आपको कसरत करना ही होगी और ये कसरत ऐसी होनी चाहिए जो आपका पसीना निकाले, आपकी सांसों को तेज करे और आपका ब्लड फ्लो बढ़ा दे। अगर आप सिर्फ ये तीन काम कर लेते हैं तो एक महीने से भी कम वक्त में दिवाली का बढ़ा हुआ वजन कम हो जाएगा और आप फिट और आकर्षक लुक की मालकिन बन जाएंगी। अब आप हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है ना, और अगर आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज हमारे चैनल हेल्थ एंजॉय को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।